नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। विश्व कप क्रिकेट में अभी तक हर तरह की खबरें आई और हमने उन सभी खबरों को आप तक पहुंचाया। अब विश्व कप क्रिकेट आखिरी मकाम पर है और कई टीमें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इंग्लैंड से जा चुकी हैं, तो कई क्रिकेटर अब फील्ड पर नजर नहीं आएंगे। वहीं पर कई ऐसी घटनाएं होंगी जो अब इतिहास बन जाएंगी और यादों में याद रहेंगी। ठीक इसी तरह विश्व कप 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बाद टूर्नामेंट में बांग्लादेश का भी सफर खत्म हो गया। टीम को इस मैच में 94 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले के बाद टीम के कप्तान मशरफ़ मुर्तजा ने अपने सीनियर खिलाड़ी शाकिब अल हसन के लिए बेहद दिल को छू लेने वाली बात कही और भावुकता के इस पल में मुर्तजा ने शाकिब से माफी मांगी। शाकिब के बारे में मुर्तजा ने कहा कि इस विश्व कप में शाकिब का प्रदर्शन शानदार रहा और पूरी टीम उनके अच्छे प्रदर्शन के आसपास भी नहीं रही। शाकिब अकेले टीम को जीत पर जीत दिलाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य रहा उन्हें बाकी साथी खिलाड़ियों से उतना समर्थन नहीं मिला जिसकी टीम को जरूरत थी। यहाँ पर एक बात बताते चले कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी मैच में भी शाकिब अल हसन ने 64 रनों की पारी खेली। इसी के साथ वो इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। मैच के बाद मुर्तजा ने कहा कि शाकिब बेहतरीन खेले, लेकिन बाकी टीम उनका साथ नहीं दे पाई। कप्तान ने कहा कि मुझे लगता है कि आखिरी के दो मैचों में तो शाकिब बेहतरीन खेले। शाकिब ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन हम साझेदारियां नहीं कर पाए। दोनों मैच 50-50 की स्थिति में थे। हम लक्ष्य हासिल कर सकते थे, लेकिन साझेदारियां नहीं हो पाई। मैं शाकिब से इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़ा और आगे आकर मेहनत करते तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। उन्होंने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी और फील्डिंग सभी अच्छे से की, वो लाजवाब रहे। यहाँ पर एक बात बताते चले कि शाकिब ने 8 मैचों की 8 पारियों में 606 रन बनाए। इस तरह विश्व कप में उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाकर टॉप पर रहे। हालांकि टूर्नामेंट खत्म होने तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजी की सूची में पहले स्थान से हट सकते हैं, क्योंकि दूसरे स्थान पर भारत के रोहित शर्मा है तो तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। रोहित के 544 रन हैं और वार्नर के 516। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और रोहित वार्नर दोनों ही शानदार फॉर्म में हैं। शाकिब ने गेंद से भी अच्छा योगदान दिया और 8 मैचों में 11 विकेट लिए। वो मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदारों में से एक है। यहाँ पर एक बात कहनी पड़ेगी कि विश्व कप क्रिकेट में शाकिब ने अपने हरफन मौला खेल से दुनिया के सभी क्रिकेट प्रेमियों को अपनी तरफ खींचा। यही नहीं, अपने खेल से बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। विश्व कप क्रिकेट में एक शानदार आगाज के बाद शाकिब ने अपने अंतिम मैच में भी शानदार पारी खेलकर अपने खेल को खत्म किया। इस तरह कहा जा सकता है कि शाकिब एक शानदार प्लेयर है। उनके प्रति कप्तान का प्यार काबिले तारीफ है, जिसके वो हकदार है।